हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर मैं आपके लेकर आई हूँ अमेज़न के कमाल के गैजेट, जिसमें आपको देखने को मिल जाएंगे किचन टूल्स, होम डेकोर आइटम और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आपको इजीली अमेज़न पे अवेलेबल हो जाएंगे और अदर शॉपिंग वेबसाइट पे भी आप उनको चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी बाय कर सकते हैं और लोकल मार्केट में भी आपको ये मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। ये जो गैजेट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं डेली लाइफ के हिसाब से, टाइम सेवर भी हैं और काफ़ी आसान हो जाती है हमारी लाइफ हम इनको यूज़ करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कौन सा गैजेट आपको ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सा गैजेट आपने यूज़ किया है, ताकि दूसरे लोगों के लिए भी जो है आपका कमेंट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए और वो भी आसानी से इस प्रोडक्ट को बाय करें और यूज़ करें और काफ़ी ज़्यादा उनके लिए भी हेल्पफुल रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए और जल्दी से आप वीडियो को वॉच करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह है कॉर्नर शेल्फ, काफ़ी अच्छा स्पेशियस है, आराम से कॉर्नर का सही तरह से यूज़ किया जा सकता है और इसमें काफ़ी अच्छा ट्रांसपेरेंट लिड दिया हुआ है जिसमें दिख जाता है, नीचे जिंजर गार्लिक के लिए स्पेस दिया हुआ है। उसके अलावा आप रबर बैंड वगैरह जो छोटी मोटी चीज़ होती हैं वो भी रख सकते हैं। उसके बाद यह शू ऑर्गेनाइज़र, ये काफ़ी अच्छा है, इसमें अगर आप यूज़ करते हैं इस तरह से शू को रखने के लिए या सैंडल को, तो उसमें वो फोल्ड नहीं होती हैं, दबती नहीं है, जिससे उनका शेप ख़राब नहीं होता है, तो ये काफ़ी अच्छा है डेलिकेट जो शूज़ होते हैं ना उनके लिए, तो ये काफ़ी यूज़फुल है। तो इसको आप यूज़ करके जो है ना अपने शूज़ को काफ़ी अच्छा लॉन्ग टाइम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये है स्टोरेज ट्रॉली, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, काफ़ी सामान आप इसमें रख सकते हैं, किचन का मूवेबल है, सफाई काफ़ी अच्छे से हो जाती है क्लीनिंग पर्पज से। नेक्स्ट है यहाँ पे ये LED हैंडल, तो अगर आपके बच्चे हैं छोटे छोटे से या घर में आपके बुज़ुर्ग लोग हैं या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आपको स्मोक का धुआं मतलब जो होता है ना बर्दाश्त नहीं है, तो आप इस तरह की LED लाइट यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है दिवाली आ रही है तो दिवाली के लिए काफ़ी अच्छी है। MCB बॉक्स कवर है, ये MCB बॉक्स अच्छे नहीं लगते हैं अक्सर देखने में, तो उसको इस तरह से हम कवर करके डेकोरेट बना सकते हैं उस एरिए को, और इसमें नीचे की रिंग और काफ़ी जो आप होता ना चीज़ टांग सकते हैं। नेक्स्ट ये है ड्रॉअर शीट, तो इसकी हेल्प से जो है आप जो बोरिंग सी आपके जो काउंटर टॉप होती है उसको अच्छा बना सकते हैं, खूबसूरत ड्रॉअर को सेव कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक आपके ड्रॉअर चलेंगे, स्क्रैच नहीं आएंगे, सामान वगैरह रखते हैं हम जो भी तो उसमें स्क्रैचेस से जो होते हैं ना काफ़ी अच्छा बचाव हो जाता है। नेक्स्ट ये है डोर स्टॉपर, सिलिकॉन का बना होता है ये और ये काफ़ी अच्छे से जो है ना डोर के हैंडल को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है स्टोरेज ट्रॉली, बहुत ही छोटी सी कम जगह के लिए आपको मिल जाएगी, 3 टियर 4 टियर आपकी नीड के हिसाब से आप इसको बाय कर सकते हैं, व्हील्स इसमें लगे हैं। नेक्स्ट ये है स्टेनलेस स्टील की क्लॉथ ड्राइंग रैक, शूज़ रख सकते हैं, कपड़े इसमें हैंग कर सकते हैं, हैंगर टांग सकते हैं और अपनी नीड के हिसाब से आप जो भी इसमें यूज़ करना चाहें जैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद ये है फूड स्टोरेज कंटेनर, साथ ही इसमें दिया हुआ है ड्रेनिंग का ऑप्शन, आप ये जो जार है इसमें ऊपर रख सकते हैं, नीचे से ड्रेन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पानी आराम से नीचे रह जाएगा सारा ही और आपकी जो सब्ज़ी है ना वो ख़राब नहीं होगी। तो ये जो है ना लॉन्ग टाइम तक आप चीज़ को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है, आपकी नीड के हिसाब से कंटेनर की क्वांटिटी और क्वालिटी आप देख सकते हैं। उसके बाद यह है कैबिनेट होल्डर, इसमें आप हुक में जो है आप अपने लिड रख सकते हैं, आप इसमें स्पून रख सकते हैं, मग रख सकते हैं, जो भी आप चाहें इसमें आराम से हैंग कर सकते हैं, ये ऐसी जगह होती है जो आराम से यूज़ की जा सकती है डेली यूज़ की चीज़ों को। उसके बाद यह है फ्रिज टॉप कवर, फ्रिज के ऊपर का जो एरिया होता है धूल मिट्टी लगने से ख़राब हो जाता है और उसमें ग्रीस वगैरह के भी चांसेस होते हैं, तो इसके यूज़ से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है ग्रीन टी इन्फ्यूज़र, तो ये काफ़ी अच्छा है ग्रीन टी पीने के लिए, इसमें आप आराम से जो है एक्स्ट्रैक्ट ग्रीन टी का ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं। उसके बाद ये है रोलर, इसके हेल्प से आप जो है लिंट हेयर और जो आपके पैड्स वगैरह होते हैं ना उनके बाल जो भी होते हैं ना वो सब निकाल सकते हैं, डस्ट होती है वो आप उसको क्लीन कर सकते हैं, रीयूजेबल है ये, आराम से इसको वॉश करके आप जो है दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे जितनी भी जो होती है ना क्लॉथ की गंदगी साफ हो जाती है। उसके बाद ये वॉल एडिसिव हुक, वॉल को ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं है, पंच फ्री है, आप इसको कहीं भी आराम से इसको लगा सकते हैं वॉल पर और जो भी चीज़ें आप इस पर होल्ड कर सकते हैं, काफ़ी हैवी ड्यूटी है ये, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो आपको जो भी नीड है ना जितनी भी आपको चीज़ हैंग भी लगानी है वॉल पे तो उसके हिसाब से आप इसको लीजिएगा। उसके बाद ये है 3-in-1 प्लग सॉकेट, तो इसमें जो है ना काफ़ी सारे एक साथ आप लगा सकते हो, इसमें जो कॉर्ड दी हुई है वो काफ़ी अच्छी है, एक साथ काफ़ी इसमें जो है ना सॉकेट आप यूज़ कर सकते हो मोबाइल के लिए और काफ़ी चीज़ों के लिए और सभी तरह के इसमें
जो आपको प्लग होते हैं ना, आपको पिन वगैरह चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे देखने को। तो एक ही काफ़ी अच्छा यूज़फुल प्रोडक्ट है। उसके बाद ये है एसी क्लीनिंग ब्रश। इसकी हेल्प से जो है एसी के जो इस तरह की जाली होती है अंदर का, उसको क्लीन किया जा सकता है जहाँ पे हमारे हाथ नहीं जाते हैं। वैसे भी अब सर्दी आ रही है तो उसको क्लीन करके रखना है कूलर एसी, उसके लिए काफ़ी अच्छा रिमूवेबल है, इसको आराम से आप निकाल के साफ कर सकते हैं। उसके बाद ये है फूड सीलिंग क्लिप। काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे, आप जो भी आप फूड बैग यूज़ करते हैं उसको यूज़ करने के बाद में इस तरह के क्लिप्स लगा के उसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे भी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप उस क्लिप को उस पर लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है अगर आप फूड पैक जो है आपका नहीं चाह रहे फेंकना, उसी को यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ अलग ही आप चाह रहे हैं कि आप तो थोड़ा बहुत ही इस तरह का कोई सामान है इसको यूज़ करने के बाद, तो इस तरह के भी क्लिप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये है ड्रेनर ट्रे, जिसमें आप सर्विंग भी कर सकते हैं और एक्स्ट्रा जो भी है ना उसको पानी फेंक के यूज़ भी कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।